हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल पोटली अनीता की। तो ये देखिए, आजकल मौसम है नाशपाती और आलू बुखारों का। बच्चों को फ्रूट्स खिलाना आजकल कितनी महाभारत है। तो अगर इनका स्वरूप बदल दिया जाए तो हम बच्चों को इजीली खिला सकते हैं। तो इनको मैं काट लूंगी और इनका हम बनाएंगे आज फ्रूट बटर। आलू बुखारों को कुछ इस तरीके से काट लेंगे। इनके सीड्स हम नहीं लेंगे। तो ये देखिए, मैंने आलू बुखारों को काट लिया है। अभी मैं ये नाशपाती काट रही हूँ। आप इसको छिलके के समेत भी ले सकते हैं और छिलका पहले से उतार भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको छिलके समेत ही ले रही हूँ। और इसका वेट कर लिया है मैंने। इन टुकड़ों का वेट है 300 ग्राम। अब हम इनको कुकर में डाल लेंगे और पकने के लिए जरूरी आधा पौना कप पानी डाल के हम इसमें लगा लेंगे एक विसल। इसको हम बंद कर देते हैं। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और ठंडा होने देते हैं इनको। देखिए, ये हमने हमारे कुकर में से फ्रूट्स को एक विसल लगाने के बाद निकाल लिया है। अब इन फ्रूट्स को हम करेंगे ब्लेंड। तो इनको मैं डाल लेती हूँ हमारे ब्लेंडर जार में। वाह, तो ये हमने ब्लेंड कर लिए हैं। अब हम जितने हमारे फ्रूट्स थे उससे आधा हम लेंगे चीनी। आप चीनी ले सकते हैं, मैं लूंगी खांड, देसी खांड। तो ये हो गई हमारी शुगर पाउडर, देसी खांड। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपना फ्रूट बटर। इसके ऊपर रख लिया है हमने पैन। पैन में हमने डाल दिया है ये हमारा फ्रूट्स का गुद्दा जो हमने अभी ब्लेंड किया था। फ्रूट्स का पल्प सारा हम डाल देंगे और डाल देंगे इसमें हम शुगर। ये बनाने में बहुत आसान होता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट और हेल्दी भी होता है। इसको आप अपने ब्रेड के ऊपर फैला के खा सकते हैं। इसको फ्रूट बटर बोलते हैं। इसमें कोई फैट नहीं है। ये बच्चों के लिए एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है। जो बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते तो और मीठा पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है। इसमें हम डालेंगे ये 2 लौंग जिनको मैंने क्रश कर लिया है, और 1 चुटकी के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ सौंठ पाउडर, या आप थोड़ी सी अदरक को भी क्रश करके डाल सकते हैं। ये 1 चुटकी के करीब मैंने डाला है सौंठ पाउडर। तो ये 1 चुटकी मैंने इसमें डाल दिया है दालचीनी। अब हम इसको पकाएंगे थोड़ा गाढ़ा होने तक। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाऊंगी कितनी, किस कंसिस्टेंसी तक हमने इसको पकाना है। ये एकदम स्मूथ हमें पीसना होता है। जब भी आप इसको लें तो बिल्कुल स्मूथ पीस लें। और अगर लगे आपको कि उसमें कुछ आपको कुछ छिलके का अंश दिखाई दे रहा है ज्यादा, तो आप इसको छान सकते हैं, लेकिन बिल्कुल स्मूथ हमें करना होता है। तो अब हम इसको पका रहे हैं। इसकी कंसिस्टेंसी हम लगातार चेक करते रहेंगे। तो ये देखिए, अभी आपको दिखाई दे रहा है कि ये बह रहा है, धीरे धीरे बह रहा है, जा रहा है नीचे। बस जब ये नीचे नहीं जाएगा तो ये रेडी हो जाएगा। बहुत जल्दी बन जाता है ये। तो अभी हम इसको लगातार चेक करते रहेंगे। ये अभी थोड़ा सा बह रहा है, लेकिन अभी जैसे ये ठंडा होगा तो ये नहीं बहेगा और हमारा ये रेडी हो गया इतनी जल्दी। और मैंने गैस ऑफ कर दी है। मेरे को 5 मिनट भी नहीं लगे इसको बनाने में। ये देखिए, यही हमें इतना ही पकाना होता है बस। इस पे हमने ये ड्रॉप डाली और थोड़ा सा ठंडा किया, और अब इसको टेढ़ा किया हमने
प्लेट को टेढ़ा किया तो अब ये गिर नहीं रहा है, बह नहीं रहा है, इसमें से पानी अलग होके नहीं बह रहा है। इट मीन्स ये हमारा रेडी हो गया है। तो इसको हम ठंडा करके हमारे बॉटल्स में भर लेंगे। आप इसको ज़रूर बना के खाइए और फिर मुझे बताइए। ये बहुत ही जल्दी तैयार होने वाला है, फ्रूट बटर बोलते हैं इसको। अगर इसको आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो आप फ्रूट्स को ब्लेंड करके बिल्कुल स्मूथ पीसने के बाद और आप उसको नेट वाली जाली से छान लीजिए। इस ऐसी नेट से आप किसी भी या किसी और दूसरी स्टील की छलनी से इसको छान लीजिए। छानने के बाद आप इसको बनाइए और फिर जिस बोतल में आपने इसको स्टोर करना है उसको हम स्टरलाइज कर लेते हैं, वो भी मैं दिखाती हूँ कैसे। ये देखिए मेरे पास ये है एक जार जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके और अच्छे से धूप में सुखा लिया है। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी आधा चम्मच पानी और इसके अंदर हम डालेंगे, ये है मेरे पास सोडियम बेंजोएट। ये सोडियम बेंजोएट एक प्रिजर्वेटिव होता है और इसको एक चुटकी एक ग्राम के करीब हम इसमें डालेंगे। ये सिर्फ एक ग्राम के करीब डालेंगे, एक चुटकी जितना। और ये फिर पानी के अंदर हम इस तरह से इसको घुमा लेंगे। तो ये देखिए ये जो पानी के अंदर चला गया है और इसको अब हम चारों तरफ शीशी के अंदर हमारे जार में इस पानी को सब तरफ घुमा लेंगे। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखिए ये है इसमें लिक्विड ये, और इसको हम इस तरीके से जार में सब तरफ घुमा लेंगे जिससे कि ये प्रिजर्वेटिव वाला पानी पूरे जार के अंदर लग जाएगा और फिर इसको हम निकाल देंगे। अब इसको हमने निकाल दिया, बस अब हमारा ये जार हो गया कीटाणु फ्री या स्टरलाइज। इसके अंदर मैं डालती हूँ ये फ्रूट बटर। ये बहुत जल्दी बनने वाली चीज है, जैम और जेली जितनी टेंशन नहीं होती इसमें और बहुत जल्दी ये रेडी हो जाता है। तो ये देखिए ये है हमारा फ्रूट बटर, इसको देखते ही मुंह में पानी आता है। आप इसको बच्चों को ब्रेड के साथ लगा के दीजिए, रोटी के साथ दीजिए या वो वैसे ही खा सकते हैं। तो ये आप बनाइए खाइए और बच्चों को जरूर दीजिए। जो बच्चे फ्रूट नहीं खाते उनके लिए ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है। एक बार इसको जरूर बना के देखिए। ये गुदेदार फलों का बनता है जैसे अमरूद, आलू बुखारा, नाशपाती, तो इस तरह से जो भी गुदेदार फ्रूट होते हैं उन सभी से ये बन सकता है। और जो लिक्विड वाले फ्रूट होते हैं उनसे भी बन सकता है। उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है बनाने में क्योंकि उसमें रस काफी थिक करना पड़ता है। तो ये गुदेदार फलों से बनाना मैं पसंद करती हूँ तो क्योंकि वो बहुत ही जल्दी बन जाता है। एक बार जरूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।